वॉइड कितने तरीके के होते हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टडी हम लोग बनाएंगे टाइप ऑफ वॉइड्स। टाइप ऑफ वॉइड्स, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं लीनियर वॉइड। लीनियर वॉइड किसको बोलेंगे कि सर जैसे अगर हमारे पास एटम्स का अरेंजमेंट लीनियर है और बीच में जगह छूट गई और उस जगह पर कोई अदर एटम आके बैठ रहा है, बीच में जो जगह छूटी इसमें कोई अदर एटम आके बैठ रहा है, तो इस अदर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? टू, क्योंकि ये कितने एटम से टच में है? दो से टच में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टू हो जाएगा। और ऐसे वॉइड को हम लोग नाम देते हैं लीनियर वॉइड का। सब एक सीध में होंगे और बीच में एक जगह छोटी है जिसमें उसी साइज का कोई अदर एटम आके बैठा हुआ है, तो उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? टू। बाकी भी एटम से इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर टू है, लेकिन ऐसे वॉइड को हम लोग बोलते हैं लीनियर वॉइड। दूसरा है ट्रायंगुलर वॉइड। दूसरा क्या है बेटा? ट्राई एंगुलर वॉइड, या फिर इसको ट्रायगोनल प्लेनर वॉइड भी कहते तो भी सही है। ट्रायगोनल प्लेनर मतलब कि सर आपके तीन एटम हैं, तीनों एक ही प्लेन में हैं, तीनों एक ही प्लेन में हैं, और बीच में जो खाली जगह है यहां पर एक एटम जा रहा है सर। ठीक, बीच में जो खाली जगह वहां पे एक एटम जा रहा है, तो ऐसे वॉइड को हम लोग नाम देते हैं ट्रायंगुलर वॉइड का। ठीक, अब इस ट्रायंगुलर वॉइड में जो एटम गया है बेटा, उससे यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? और अगर हमने इन सबके सेंटर को मिलाया तो कुछ ऐसा आएगा। तो बताओ कि ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है सर आर, सभी एटम का रेडियस आर है। ये डिस्टेंस कितनी है? तो ये वाली डिस्टेंस है सर आर में हमने स्मॉल आर भी जोड़ दिया, उस छोटे वाले वॉइड में जो एटम गया उसका रेडियस। ये एंगल पूरा 60 डिग्री का है, तो यहां कितना हो गया? 30 डिग्री का एंगल हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर हम यहाँ पे लगाए cos 30 बराबर क्या हो जाएगा? अब ये हमारा है परपेंडिकुलर, जो हम पता नहीं है, मतलब भी नहीं है। cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है सर आर और हाइपोटेनस कितना है? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। cos 30 की वैल्यू बताओ, तो ये आ गया √3/2 बराबर आर अपॉन में आर प्लस आर। अब यहां से हम सॉल्व करते हैं और स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू निकालते हैं, तो ये वैल्यू आती है 0.155। कितना आता है? 0.155। यानी कि सर अगर कोई एटम जिसका रेडियस रेशियो 0.155 के अराउंड में आएगा, तो वो वाला जो स्मॉल आर वाला एटम है वो ही इसमें आके बैठ सकता है। देखो ये जो वैल्यू है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, अगर आर की वैल्यू बड़ी किया आपने तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, फिर ये आके बैठेगा नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर कोई एटम हमारा ट्रायंगुलर वॉइड में जा रहा है तो उसका रेडियस और जो पैरेंट एटम है, ये तीनों पैरेंट एटम कहलाएंगे, ठीक है, उनके रेडियस का जो रेशियो है वो 0.155 के अराउंड में आएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में। सॉल्व कर लेंगे इसको, टेट्राहेड्रल वॉइड में आएंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा भाई? सर तीन एटम तो एक ही प्लेन में और एक एटम जो है इसके ऊपर रखा गया है, तो ये बनाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन सर इस तरीके से जब आपने बना दिया फिगर, तो वो वॉइड हमें जो यहां दिख रही है वो उसी प्लेन में दिख रही है कि इन तीनों के साथ ही है? वो ऐसा नहीं है, तीन एटम जो एक प्लेन में है
ठीक, तीन बॉल सपोज करो, तीन बॉल है आपने चिपका के रख दी, ठीक है, तो अभी जो उनके ट्रायंगुलर रॉड होगा वो उनके बीच में होगा जो यहां दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक बॉल उठा के हमने ऊपर से रख दी, तो अब जो उनके बीच में जो नेट गैप होगा ना, वो नेट गैप वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अब इसका जो वॉइड की लोकेशन है सर, वो कहाँ पे है उसको हम लोग समझना पड़ेगा। सपोज करो कि सर हमारे इनमें से दो एटम जो है वो कुछ इस तरीके से है, जो आपस में ज्वाइंट है, और इनसे जो है इनसे एच हाइट पर वो वॉइड है जो हमें दिख रही है, ठीक। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो सर आर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना होगा, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, ये चीज बोलो भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा। भाई तीन एटम एक ही प्लेन में है, उनका जो ट्रायंगुलर वॉइड है वो तो उन्हीं के प्लेन में है, लेकिन हमने कहा कि सर एक एटम जो ऊपर रखा गया तो वो एटम ऐसा थोड़ी ना कि पूरी जगह भर दिया, बीच में गैप है, वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी वो हल्की से शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की ओर, ठीक है ना। मतलब उस प्लेन में ट्रायंगुलर वॉइड के प्लेन में नहीं है, जैसे ये दिख रहा है वैसे प्लेन में वो जगह तो वैसे मेंटेन है, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अब जो हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड उस तीन प्लेन में जो एटम है वो हो गए और एक ऊपर हो गया, तो वो हल्की सी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो वहां पर अगर हमने सेम साइज का एक एटम रख दिया, एक छोटी सी बॉल लेकर के उसमें रख दो कि वो बैठ गई और साथ में उसके ऊपर वो बड़ा सा एटम भी जाके बैठ गया, ठीक, तो वो बॉल जो है जिसका रेडियस आर है और ये जो कि इस बॉल के साथ कॉन्टेक्ट में है उसका रेडियस आर है, ठीक, और ये इसका रेडियस यहाँ पे हमें दिख रहा है कैपिटल आर। तो यहां से अगर हम एंगल की बात करेंगे बेटा, ये एंगल कितना होगा, तो हम जानते हैं टेट्राहेड्रल में पूरा एंगल अगर हम यहां से यहां तक का अगर लेंगे तो ये कितना होता है, ये थीटा जो है वो हमारा है 109 डिग्री 28 मिनट का, बोलो। लेकिन हमें इस थीटा की जरूरत ही नहीं है, हमें इस थीटा की जरूरत नहीं है, हमें इस एंगल की जरूरत है थीटा वन की। तो थीटा वन बराबर कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट बाई टू, क्योंकि आधा हो गया ना वो, ठीक। तो यहां से अगर हम लोग साइन थीटा लगा दें कि साइन थीटा वन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो आर प्लस आर, और साइन थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन 109 डिग्री 28 मिनट बराबर आर अपॉन में आर प्लस आर। तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं और जो स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर की वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है 0.225। ये कितनी आती है बेटा, 0.225 आती है, ठीक। अब ये वैल्यू हम लोग ऐसे तो याद है नहीं, तो हम लोग डेटा देख करके ही इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आती है, स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर बराबर 0.225। यहां पर हम देख रहे हैं स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर की वैल्यू सॉल्व करने पर इतनी आई। तो हम देख रहे हैं कि सर रेडियस रेशियो जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, रेडियस रेशियो 0.225 0.155 है, यहाँ 0.225 आया, तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ रहा है, यहाँ तीन ही एटम के साथ कांटेक्ट में था, यहाँ पर ये एटम चार एटम के साथ कांटेक्ट में है। इस एटम को मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, इसको मैं रेड से कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है, रेड से कर दे रहे हैं इस एटम को, और ये जो रेड वाला एटम है वो कहीं यहीं बैठा हुआ है बीच में, ठीक, चारों एटम के बीच में बैठा हुआ है, ठीक। तो इसको हम लोगों ने यहां शो किया है, इसका रेडियस और इसका रेडियस मिलाओगे तो आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, और इसका खुद का रेडियस ये वाला जो है वो अलग कहीं दिखाया जा रहा है वो आर है, हो जाएगा भाई। तो ये चीज समझ आ रही है। अब उसके बाद ऑक्टेटल वॉइड हमने बताया कि सर कैसा दिखेगा, तो एक तो अरेंजमेंट हम लोगों ने ऐसा ही किया था कि तीन एटम सर ये ले लिया और इसके ऊपर तीन एटम दूसरे कलर से बना दिए और बीच में हमारा जो हो गया था वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई थी, बोलो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है इसी को रिप्रेजेंट करने का, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, कि सर हमने देखा कि चार एटम सर ऐसे हो गए, टोटल कितने एटम है, छह एटम है, उन छह एटम का एंगल थोड़ा सा अगर हम डिफरेंट करते हैं तो हमें चार एटम एक ही प्लेन में दिखाई देते हैं, एक एटम सर इसके नीचे है और एक एटम इसके ऊपर है,
टोटल कितने हो गए, 6 एटम हो गए, तो ये सर ऑक्टेटल वर्ड हो गई। आया समझ में? तो ऑक्टेटल वर्ड जो है सर, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज व्यू इसका दिखा रहा हूँ अलग अलग बना करके। जैसे हम लोगों ने इस टेट्राहेड्रल वर्ड को जब इस एटम को हटाए और उस जो लाल वाला एटम है उसको अलग से रख के दिखाया तो कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। तीसरा एटम, इन तीन एटम में से दो ही एटम बनाया गया, एक एटम इसके पीछे है लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी तो उसको नहीं बनाया गया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमें सर ऊपर वाले एटम की जरूरत अगर नहीं है या नीचे वाले एटम की जरूरत नहीं है तो उसको नहीं बना रहे हैं, केवल हम 5 एटम इसमें से बनाएंगे। तो सर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक। अब सर जो ऑक्टेटल वॉइड है वो पे जो एटम है वो यहाँ कहीं बीच में ही आएगा, उसको मैं डिफरेंट कलर से बना दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा कहीं ऐसे आ रहा है, ये है उस ऑक्टेटल वॉइड में पड़ा हुआ एटम। इसके एटम एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। इसके ऊपर एक एटम है सेम साइज का और एक एटम इसके नीचे है। अब अगर हम रेडियस रेशियो निकालना चाहते हैं सर तो देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि सर इन चारों के सेंटर को मिलाएंगे तो ऐसे होगा, कुछ बनेगा जिसमें एंगल कितना है 90, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है सर, हमें तो यहां से यहां जाना है। बोलो भाई, और ये एंगल कितना हो गया, अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। बोलो, यहां से यहां तक हो गया स्मॉल आर, सॉरी इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो जोड़ दिया जाए कॉस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस तो आर अपॉन में आर प्लस आर। 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 बराबर आर अपॉन में आर प्लस आर। तो यहां से स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर की जो वैल्यू, क्योंकि √2 में से सॉल्व करने में आ रहा है ना, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं तो आर प्लस आर बराबर कितना हो गया बेटा, √2 आर, उस आर को उधर ले जाओगे तो √2 - 1 हो जाएगा, √2 - 1 मतलब कितना हो गया 0.414, तो स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर बराबर कितना हो गया 0.414। ये चीज डायरेक्टली लिखी गई है, आया समझ में? यहाँ पे देखो हमारे ऑक्टेटल अरेंजमेंट ये सबसे पहला बेसिक वाला है, उसको सर हमने थोड़ा सा अलग एंगल से देख रहे हैं क्योंकि हमारे व्यू करने पे है, तीन एटम एक प्लेन में, तीन एटम दूसरे प्लेन में, ऐसा दिख रहा है। उसको थोड़ा अलग व्यू किया तो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ऊपर वाला एक एटम या नीचे वाला एक एटम जो है उन दोनों को हटा दिया तो 4 एटम जो हमारे प्लेन में वो दिख रहे हैं, और जो ऑक्टेटल वर्ड बीच में था वहां पे एक एटम उसी साइज का पड़ा हुआ है, उसका रेडियस और उसका रेडियस दोनों जोड़ के आर प्लस आर हो गया, और ये रेडियस आर है, ये एंगल 45 डिग्री का। इससे हम लोग सॉल्व करके स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में जानकारी निकाले, ठीक है। देखो जो बच्चे इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, मेडिकल वालों के लिए वो डेटा केवल याद करके चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सॉल्व हो जाएगा। क्यूबिकल वर्ड कैसा दिख रहा होगा, क्यूबिकल वॉइड, इसको समझने के लिए हम लोग पहले सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो बनाया था कि सर 8 एटम है, 4 तो ये सामने वाले, 4 इनके पीछे वाले जो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनको हल्का सा ड्रिल किया तो इनके पीछे वाले एटम भी नजर आना शुरू कर दिए कि वो सर यहां है। बोलो भाई, कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब उसके बाद हमने कहा कि सर इनके सेंटर्स को मिलाते हैं, तो आगे वाले जो है इनके सेंटर को मिलाया गया, पीछे वाले जो है उनके सेंटर को मिलाया गया और इनको जोड़ दिया गया। तो ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बॉडी सेंटर पर यहां पर हमारा क्या है, यहां पर हमारा है क्यूबिकल वॉइड। यहां पर क्या है बेटा, क्यूबिकल वॉइड है। अब उस क्यूबिकल वॉइड पे एक एटम जा रहा है, उस क्यूबिकल वॉइड पे एक एटम जा रहा है सर, और उस एटम की रेडियस जो है
वो स्मॉल आर है, उस एटम की जो क्यूबिकल वॉइड पे एटम जा रहा है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, जबकि यहां पे जो एटम है इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और यहां पे कहीं है जो कि इसके साथ टच में होगा, तो ये हमने ऐसे बना दिया, और ये दोनों क्या क्या कर रहे हैं भाई, टच कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा, इसको तो हमने क्या माना, इसको तो मैंने कैपिटल आर माना हुआ है, इसको क्या माना है, स्मॉल आर। तो ये जो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है ये डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक अगर हम डायगोनली जाएंगे तो ये बॉल डायगोनल कितना आता है, ए रूट थ्री आता है, बॉल डायगोनल कितना आता है, ए रूट थ्री आता है। और यहां पे अगर मैं बात करूं कि सर इसका रेडियस है कैपिटल आर और इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो ए बराबर टू आर है कि नहीं है, बोलो भाई ए बराबर टू आर है कि नहीं है। तो ए की वैल्यू रिप्लेस करके हमने लिख दिया, तो क्या लिख सकते हैं, वैसे ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की आधी होगी कि नहीं होगी, ये चीज हम लोग ध्यान रखना है पहले कि सर कैपिटल आर और स्मॉल आर ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो है इसके बॉय डायगोनल जो है पूरी लेंथ उसकी आधी होगी, तो ए रूट थ्री बाई टू हो जाएगा। अब ए की वैल्यू अगर हमने प्लेस कर दी कितना आ रहा है भाई, टू आर, तो टू आर अगर प्लेस किया और रूट थ्री है और नीचे क्या है टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो क्या इतना आ गया आर रूट थ्री आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से हम देख रहे हैं कि आर प्लस आर बराबर आर रूट थ्री है, तो यहां से आर बराबर आर कॉमन हो गया रूट थ्री माइनस वन, तो कितना बचा 0.732। तो यहां से स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 0.732। तो ये जो रेडियस रेशियो है ये 0.732 आता है यहां पे, ठीक है। तो क्यूबिकल वॉइड में जो रेडियस रेशियो है वो 0.732 आया। तो यहां से हम लोग एक रिजल्ट निकाल लेते हैं, वो रिजल्ट क्या है कि सर एज द रेडियस रेशियो इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस, आप देखें यहां पे जो क्यूबिकल वॉइड पे जो एटम गया है वो आठ एटम के साथ कांटेक्ट में है, इस एटम का, इस छोटे वाले एटम का अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर पूछें कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ बेटा इसका कितना है, तो आठ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, चार ऊपर और चार नीचे। तो इस क्यूबिकल वॉइड पे जो एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एट है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने ऑक्टेटल वॉइड में देखा कि इस ऑक्टेटल वॉइड पे जो एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सिक्स होगा, और जबकि इसका रेडियस रेशियो आ रहा है 0.414। तो जैसे जैसे हमारा रेडियस रेशियो बढ़ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, तो यही चीजें हम प्रूफ भी करनी थी और सारे रेडियस रेशियो को एक्सप्लेन भी करना था कि कैसे वो